आपने देखा दो सेंटेंस बिल्कुल सिंपल थे, साधारण वाक्य थे। अब हम थोड़ा सा तीसरा वाक्य जो पढ़ते हैं वो है थोड़ा सा, और उसमें हम कर्म को साथ लेंगे। पहले दो वाक्यों में हमने पढ़ा कर्ता और क्रिया, लेकिन इन दो वाक्यों में हम कर्ता प्लस क्रिया प्लस कर्म को भी साथ में लिया है। अब देखो इसमें दिया है मोहन विद्यालय जाता है। मोहन यहाँ पे, अब इसमें जाता है क्रिया हो गई, कौन जाता है प्रश्न हुआ हमारा, कौन जाता है मोहन, तो कर्ता कौन सा हुआ हमारा मोहन, लेकिन कहाँ जाता है विद्यालय को जाता है, कहाँ जाता है विद्यालय को जाता है। जब देखो मोहन कर्ता, जाता है क्रिया, जब मोहन एक वचन है तो यहाँ प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। मोहन कौन सी, मोहन में कौन सी विभक्ति है, प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। जाता है ये भी एक प्रथमा विभक्ति है, यानी कर्ता और क्रिया दोनों एक ही विभक्ति की हो जाते हैं, यानी कर्ता और क्रिया दोनों एक विभक्ति के लिखे जाते हैं। मोहन जब ये प्रथमा विभक्ति का एक वचन है तो क्रिया भी प्रथमा विभक्ति के एक वचन की ही लिखी जाएगी। अब आता है तीसरा पॉइंट हमारा, आता है विद्यालय। जब किसी कर्म के आगे या किसी शब्द के आगे कोई चिन्ह नहीं दिया जाता है, कारक चिन्ह जिसे हम कहते हैं, कारक चिन्ह का, के, की, के, को, जैसे विद्यालय, अब इसमें को छिपा हुआ है, विद्यालय को जाता है, लेकिन को यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए जब कोई यहाँ पे कोई कारक छिपा हुआ होता है तो वहाँ पे द्वितीय विभक्ति मानी जाती है। जब कहीं हमें कोई कारक चिन्ह नहीं दिखाई देता है तो वहाँ हमें द्वितीय विभक्ति दिखाई मानी जाती है। तो यहाँ विद्यालय में कौन सी विभक्ति आएगी, द्वितीय विभक्ति। तो सबसे पहले हम मोहन की संस्कृत बनाएंगे तो मोहन है, फिर बनाएंगे जाता है गच्छति, यानी मोहन है ये प्रथमा विभक्ति है तो गच्छति ये भी प्रथमा विभक्ति में बनाया हमने, गच्छति मोहन है गच्छति। अब आता है विद्यालय, तो विद्यालयम द्वितीय विभक्ति में विद्यालय को लिखेंगे विद्यालयम, तो हमारा सेंटेंस, हमारा जो वाक्य है वो बना मोहन है विद्यालयम गच्छति। इस तरह से हम इस वाक्य की रचना कर सकते हैं। अगला सेंटेंस है हमारा, वह कलम से पत्र लिखता है। अब इसको बनाने के लिए आपको सबसे पहले वाक्य रचना बनाने के लिए सबसे पहले कर्ता को ढूंढना है। कर्ता आपका यहाँ पे है वह, और क्रिया आपकी यहाँ है लिखता है। अब लिखता है क्रिया है, कौन लिखता है, वह लिखता है, तो कर्ता यहाँ पे वह हो गया, लिखता आपकी क्रिया हो गई, तो वह प्रथमा विभक्ति से है, लिखता है तो ये भी प्रथमा विभक्ति में हो गई। अब किससे लिखना है, कलम से लिखता है, कलम से जो आ रहा है यहाँ पे ये तृतीय विभक्ति का है, क्योंकि यहाँ एक साधन के रूप में प्रयोग किया गया है। जब किसी साधन के रूप में से का प्रयोग किया जाता है तो वहाँ पे तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अगला हमारा आता है पत्र, यहाँ चूंकि यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं दिया हुआ है तो यहाँ इस पत्र में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा पत्र में किस कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा, द्वितीय विभक्ति का, क्योंकि यहाँ पे इसमें कोई चिन्ह नहीं दिया हुआ है, का, के, की, को, से, इस प्रकार का कोई भी निशान या चिन्ह नहीं दिया हुआ है, इसलिए। तो सबसे पहले हम किसकी संस्कृत बनाएंगे, वह, ये कौन से लिखता है, पुल्लिंग का रूप है, क्योंकि लिखता है, अगर यहाँ लिखती होती तो यहाँ सा का प्रयोग करते, लेकिन लिखता है लड़का, पुल्लिंग का प्रयोग किया गया है, इसलिए यहाँ सह लिखेंगे, सह। अब संस्कृत पहले लिखता है, क्रिया की बनाओ, क्रिया की संस्कृत लिखति, सह प्रथम पुरुष का एक वचन है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष के एक वचन की आ जाएगी, लिखति, सह लिखति। अब बनाओ कलम से, कलमेन, कलम से कलमेन। अब पत्र द्वितीय विभक्ति पत्रम, सह कलमेन पत्रम लिखति। इस प्रकार से आप अपने सह लिखति, अगर आपने ये सह कलमें लिखति ये दो शब्द भी आपने बनाए तो आपका आधा वाक्य सही हो जाता है, आपका आधे मार्क्स आपको मिल सकते हैं। इस प्रकार से यह सह कलमेन पत्रम लिखति, इस प्रकार से यह आपका वाक्य पूरा हुआ। तो वाक्य संरचना, वाक्य बनाने के लिए हमें
कर्ता प्लस क्रिया दोनों की आवश्यकता होती है। जिस पुरुष और जिस वचन में कर्ता होता है उसी पुरुष और उसी वचन की हमें क्रिया लगानी होती है। इस प्रकार से आपका ये वाक्य संरचना टॉपिक पूरा होता है। अगले टॉपिक में भी हम वाक्य संरचना का वाक्य संरचना करना बताएंगे, जो और थोड़ा सा कठिन शब्द है उसमें उस तरह से इनको बताने की प्रयास करेंगे। धन्यवाद।